तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई साईफाई टाइम ट्रेवल सस्पेंस मूवी कर्वेचर को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके मेन रोल में लिंडसे फोंसेका हैं। ये एक सस्पेंस टाइम ट्रेवल मूवी है जिसकी स्टोरी काफी इंटरटेनिंग और बदले की भावना को बयान करती है। तो फ्रेंड, ज्यादा सस्पेंस न क्रिएट करते हुए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें। फिल्म शुरू होती है और हमें पहले सीन में हेलेन को सोफे पर सोया हुआ दिखाया जाता है। तभी हेलेन के फोन का अलार्म बजता है और अलार्म की आवाज से हेलेन जाग जाती है और कुछ सोचने लगती है। दरअसल फ्रेंड्स, हेलेन यहाँ पर अपने हस्बैंड वेल्स को याद कर रही होती है, जिसने 10 दिन पहले सुसाइड कर लिया होता है। अगले सीन में हेलेन कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, ये पेपर 27 मई का होता है। पेपर पढ़ने और फ्रेश होने के बाद हेलेन ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में हेलेन की मुलाकात एलेक्स और फ्लोरेंस से होती है। यहाँ फ्लोरेंस कहती है, मैं समझ सकती हूँ हेलेन, ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल का काम होगा। वेल्स के सुसाइड कर लेने के बाद तुम बहुत अकेला फील करती होगी ना। यहाँ फ्लोरेंस अपने लैब की हेलेन को देती है और कहती है, मैं इस जॉब के बाद लैब में काम करती हूँ, जब भी तुम अकेला फील करना तुम मेरी लैब में आ जाना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। फ्लोरेंस की बात सुनकर हेलेन हाँ में सिर हिलाती है और लैब की को अपने पास रख लेती है। फिल्म के अगले सीन में हेलेन को थॉमस के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ थॉमस कहता है, वेल्स वाकई एक अच्छा इंसान था, मेरी उसके साथ काफी बनती थी, इसीलिए तो हम दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर थे। वेल्स और मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वेल्स उस प्रोजेक्ट को काफी पसंद करता था, पर पता नहीं क्यों उसने सुसाइड कर लिया। चूंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ थॉमस की बात सुनकर हेलेन कहती है, ऐसी कुछ बातें हैं थॉमस जो हम लोगों को शायद नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है, वेल्स मेरे साथ शादी करके काफी खुश था, मेरी वजह से तो वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। यदि वेल्स ने प्रोजेक्ट पर काम करते समय सुसाइड किया है तो कुछ न कुछ गड़बड़ इस प्रोजेक्ट में ही होगा। आपको इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजों को चेक करनी चाहिए। हेलेन की बात सुनकर थॉमस कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकता, इस प्रोजेक्ट में मेरे काफ़ी पैसे लगे हैं। थॉमस की बात सुनकर हेलेन मायूस होती है और अपने घर चली आती है। अगले सीन में हमें फिर से हेलेन को नींद से जागते हुए दिखाया जाता है, जहां वह ब्लू कलर के हुडी में होती है। नींद से जागने के बाद हेलेन को उसके ही नंबर से उसके किचन वाले फोन पर कॉल आता है। ये फोन कॉल वाली बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रिलेशन फिल्म के एंडिंग से है। कॉल को उठाने पर फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, देखो हेलेन, मैं भी हेलेन बोल रही हूँ, बिना कोई क्वेश्चन किए तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर के बाहर कुछ देर में काले रंग की एक कार आएगी, कार का एक आदमी तुम्हारे घर के दरवाजे को खोलकर तुम्हें पकड़ना चाहेगा, तुम्हें किसी भी तरह उससे खुद को बचाते हुए घर से बाहर निकलना है, जल्दी करो, वहां बस वो कार पहुंचने वाली है। फोन की बात सुनकर जब हेलेन घर के बाहर देखती है तो सच में हेलेन के घर के बाहर एक काली कार आती है। काली कार में से एक कार्विज नाम का इंसान निकलता है और जल्दी से हेलेन के दरवाजे को खोलकर हेलेन के घर के अंदर दाखिल होता है। यह देखकर हेलेन घर से बाहर भागती है, पर घर से बाहर भागते हुए कार्विज हेलेन को देख लेता है और कार्विज हेलेन का पीछा करने लगता है। पर हेलेन यहाँ पर किसी तरह से झाड़ियों और दीवार के पीछे छुपकर खुद को कार्विज से बचाती है। इधर उधर भागते समय हेलेन की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें 2 जून का डेट लिखा होता है। पेपर में 2 जून का डेट देखकर हेलेन परेशान हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, हेलेन को 27 मई वाली थॉमस के साथ हुई कन्वर्सेशन के बाद कुछ भी याद नहीं होता है। 27 मई के बाद 28 मई से 1 जून के बीच में उसके साथ क्या हुआ था उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता। यहाँ हेलेन को ये
भी याद नहीं होता कि अनजान कार्विस हेलेन को यानी उसे क्यों पकड़ना चाह रहा है या उसे मारना क्यों चाह रहा है। भागते समय हेलेन की मुलाकात एलेक्स से होती है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड्स, ये एलेक्स वही इंसान है जो हेलेन और हेलेन के पति वेल्स के साथ काम किया करता था। हेलेन को देखकर एलेक्स कहता है, हेलेन तुम पिछले 6 दिनों से कहाँ थी, मैंने तुम्हारे घर पर और तुम्हारे फ़ोन पर भी कॉल किया। जवाब में हेलेन अपने साथ हुई सुबह वाली घटना और 28 मई से 1 जून के बीच किसी भी घटना को याद न होने वाली बात एलेक्स को बताती है, पर एलेक्स हेलेन की बात पर विश्वास नहीं करता। एलेक्स को विश्वास दिलाने के लिए हेलेन एलेक्स का फ़ोन लेकर अपने नंबर पर कॉल लगाती है। फ़ोन के दूसरी तरफ से हेलेन की आवाज़ आती है, मुझे गलत मत समझना एलेक्स, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल या मैसेज करूँगी। तुम हेलेन के साथ हो ना, तुम हेलेन के साथ ही रहना और उसकी मदद करना, हम हेलेन के साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फ़ोन पर हेलेन की आवाज़ सुनकर एलेक्स को भरोसा हो जाता है, अभी शहर में 2-2 हेलेन हैं। यहाँ फ़ोन वाली हेलेन की बात सुनकर एलेक्स और हेलेन को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और ये गड़बड़ शायद कहीं न कहीं वेल्स के मौत के कारण है। और इसी बात का पता लगाने के लिए हेलेन एलेक्स के साथ अपने पिता के घर पर पहुंचती है जहां वेल्स अपने प्रोजेक्ट पर काम किया करता था। अगले सीन में हमें थॉमस को रिसर्च चैम्बर में दिखाया जाता है जहां वह एक आदमी से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ रहा होता है। थॉमस के रिसर्च चैम्बर से बाहर आने पर उसकी मुलाकात कार्विस से होती है। कार्विस को देखकर थॉमस कहता है, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें वो मिली, पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया है, जल्दी से तुम उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। थॉमस की बात सुनकर कार्विस अपनी कार से हेलेन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। हेलेन के पिता के घर पर पहुंचने पर हेलेन को ब्लैक बोर्ड पर मैथमेटिकल टर्म में कुछ लिखा हुआ मिलता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए चीजों को देखकर हेलेन को ऐसा लगता है वेल्स या फोन वाली हेलेन ने उसके लिए कोई सीक्रेट मैसेज छोड़ा है। ढेर सारी दिमागी कसरत करने के बाद एलेक्स और हेलेन मिलकर ब्लैक बोर्ड की पहेली को सुलझाते हैं। पहेली सुलझाने के बाद हेलेन को एक छोटा सा प्रोजेक्टर मिलता है जिसके अंदर एक वीडियो होता है जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है यानी पासवर्ड से लॉक्ड होता है। अगले सीन में कार्विस को हमें रोड पर दिखाया जाता है। यहाँ कार्विस अपनी कार को पार्क करके मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर कार्विस को एक नीली हुड पहने एक लड़की दिखाई पड़ती है जिसे कार्विस पकड़ना चाहता था, पर नीली हुड वाली लड़की कार्विस को चकमा देकर मॉल से भागकर कहीं छुप जाती है। अगले सीन में हमें कार्विस को कुछ फोटोग्राफ के साथ थॉमस के पास दिखाया जाता है। यहाँ फोटोग्राफ को देखकर कार्विस थॉमस से कहता है, ये सारी फोटोग्राफ मॉल के कैमरे की है, मॉल से उसने एसिड टाइमर चारकोल और प्रेशर कुकर लिया है, लगता है वह कुछ बड़ा करना चाहती है और कुछ उड़ाना चाहती है। कार्विस की बात सुनकर थॉमस मन अंदर में गुस्साता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, ये मॉल वाली यानी नीली हुड वाली लड़की दूसरी हेलेन होती है। यह वही हेलेन होती है जो एलेक्स वाले हेलेन को गाइड कर रही होती है। ये मॉल के अंदर बॉम्ब बनाने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए गई होती है। यह बॉम्ब का यूज कैसे करेगी या यहाँ पर 2-2 हेलेन कैसे है, मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा। अगले सीन में हमें एलेक्स के साथ वाले हेलेन को दिखाया जाता है जहाँ हेलेन अभी भी अपने पिता के घर पर होती है। यहाँ एलेक्स और हेलेन मिलकर प्रोजेक्टर वाले लॉक्ड वीडियो को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में थॉमस और कार्विस उनके घर पर आ जाता है। घर में पड़े स्नाइपर राइफल का यूज करके हेलेन थॉमस और कार्विस को गन पॉइंट पर रखती है और कार्विस की गन को अपने साथ लेकर एलेक्स के साथ एक होटल में पहुंचती है। होटल में पहुंचने पर हेलेन और एलेक्स ढेर सारी दिमागी कसरत करते हैं और प्रोजेक्टर में सेव वीडियो के पासवर्ड को अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हेलेन के पति वेल्स और उसके प्रोजेक्ट पार्टनर थॉमस के बीच हुए रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन होती है जिसमें ये दोनों ड्रिंक ले रहे होते हैं। यहाँ वेल्स कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट को और आगे नहीं बढ़ा सकता, ये प्रोजेक्ट एक टाइम मशीन है और अगर ये पूरी तरह से सफल हो गई तो लोग अपनी गलतियों को सुधारने और क्राइम करने के लिए इसका यूज करेंगे। अभी तक तो ये टाइम मशीन समय में केवल 7 दिन आगे या पीछे जा सकती है और टाइम ट्रेवल करने वाले यूजर को टाइम मशीन यूज करते समय की याददाश्त याद नहीं रहती। अगर किसी तरह यह टाइम मशीन
अनलिमिटेड समय में आगे या पीछे जाए या टाइम मशीन यूज करने वाले यूजर को टाइम मशीन की सारी यादें याद हो तो बहुत बुरा होगा। मुझे यह प्रोजेक्ट अभी बंद करना होगा थॉमस। अगर तुम भी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट पार्टनर होने के कारण मैं आधे कंप्लीट हुए इस टाइम मशीन को गवर्नमेंट को सौंप दूंगा। इतना कहकर विल्स ड्रिंक को टेबल पर रखकर बाथरूम चला जाता है। अगले क्षण यानी विल्स के बाथरूम जाने के बाद थॉमस अपनी जेब से जहर वाली एक गोली निकालता है और विल्स के ड्रिंक में मिला देता है। और जब विल्स बाथरूम से बाहर आता है तो थॉमस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए रेडी हूँ, इसी बात पर तुम अपना ड्रिंक तो पूरा कर लो। थॉमस के द्वारा ड्रिंक देने पर विल्स ड्रिंक को पी लेता है और अगले क्षण वीडियो में हमें दिखाया जाता है जहर वाले ड्रिंक को पीने के बाद हेलेन के पति विल्स की मौत हो जाती है। वीडियो को देखकर हेलेन समझ जाती है आखिर थॉमस और कार्विज उसे क्यों मारना चाहते हैं। यहाँ हेलेन कहती है, मुझे पता था मेरा पति इतनी छोटी बात पे तो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर रुको रुको रुको, शायद दूसरी हेलेन भी तो यही करना चाह रही है। मुझे लगता है एलेक्स दूसरी हेलेन थॉमस को मारने के लिए ही ये सब कर रही है और थॉमस उस हेलेन को पकड़ने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। थॉमस ने जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा ही। जैसे थॉमस ने मेरे पति को मारकर अपने हाथ खून से रंगे हैं, मैं भी थॉमस को मारकर अपना हाथ खून से नहीं रंगना चाहती। हमें दूसरी हेलेन को रोककर थॉमस को जेल में डलवाना होगा। यहाँ एलेक्स कुछ बोल पाता कि इससे पहले कार्विज अपनी गन में लगे ट्रैकर को ट्रैक करता हुआ होटल के उस कमरे में पहुंचता है जहाँ एलेक्स और हेलेन थे। कार्विज के कमरे में पहुंचने के बाद कार्विज और एलेक्स में झगड़ा होता है। एलेक्स और कार्विज में हो रहे झगड़े को देखकर हेलेन होटल से भागकर थॉमस के ऑफिस में पहुंचती है। एलेक्स और कार्विज के बीच हो रहे झगड़े के दौरान कार्विज कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ एलेक्स, तुम एक मुजरिम की मदद कर रहे हो। हेलेन थॉमस को मारना चाहती है, हेलेन दोषी है। कार्विज की यह बात सुनकर एलेक्स कार्विज को प्रोजेक्टर वाली वो वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें थॉमस वेल्स को मार रहा होता है। थॉमस के द्वारा वेल्स की मारने वाली वीडियो को देखकर कार्विज समझ जाता है असली दोषी तो थॉमस है और वह एलेक्स से पूछता है, अभी हेलेन कहाँ गई है। एलेक्स जवाब देता है, शायद वह थॉमस के ऑफिस गई होगी। अगले सीन में हमें कार्विज को एलेक्स के साथ कार में दिखाया जाता है जो थॉमस के ऑफिस में आ रहे होते हैं। जब हेलेन थॉमस ऑफिस में पहुंचती है तो थॉमस हेलेन से कहता है, वाह क्या बात है, तुम अपने आप यहां। जवाब में हेलेन कहती है, मैं जान चुकी हूं थॉमस, वेल्स को किसने मारा था, किसने उसके ड्रिंक में जहर मिलाई थी। इतना कहकर हेलेन पास पर टेबल पर की नाइफ अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है, तुमने वेल्स की सुसाइड वाली झूठी अफवाह उड़ाई थी ना, मैं वेल्स के मौत का बदला तुमसे लूंगी पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अभी जो तुम्हें मारने आई है मैं उसे रोककर तुम्हारा मर्डर होने से रोकूंगी। यहाँ थॉमस कहता है, मुझे और कौन मारना चाहता है। यहाँ हेलेन मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे चेहरे वाली दूसरी हेलेन। हेलेन के इतना कहते ही हमें थॉमस के कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरी हेलेन को दिखाया जाता है। कंप्यूटर में दिख रही दूसरी हेलेन वेल्स का आई कार्ड यूज करके एक चैम्बर में घुसती है। ये चैम्बर वही होता है फ्रेंड्स जहां टाइम मशीन रखी होती है। बॉम्ब के साथ दूसरी हेलेन को टाइम मशीन वाले चैम्बर में जाता देख थॉमस टाइम मशीन वाले चैम्बर में जाने की कोशिश करता है, पर ओरिजिनल हेलेन जो थॉमस के ऑफिस में होती है वह थॉमस को मारने की धमकी देकर उसे अपने पास रोके रखती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी हेलेन अपने बॉम्ब को चैम्बर में एक्टिवेट कर उसके टाइमर को ऑन कर देती है। टाइमर को ऑन करने के बाद दूसरी हेलेन टाइम मशीन में 2 जून का डेट इंटर कर टाइम मशीन के अंदर चली जाती है। टाइम मशीन को ऑन करता देख थॉमस अपने चैम्बर में खड़ी हेलेन को ढकेल कर टाइम मशीन वाले चैम्बर की तरफ भागने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टाइम मशीन एक्टिव हो जाता है और टाइम मशीन के एक्टिव होते ही हेलेन टाइम मशीन से गायब हो जाती है। हेलेन के टाइम मशीन से गायब होते ही कुछ सेकेंड बाद चैम्बर में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। टाइम मशीन वाले चैम्बर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से चैम्बर की तरफ जाता हुआ थॉमस बाल बाल बचता है। चूंकि कार्विज एक पुलिस वाला होता है इसीलिए वह थॉमस के ऑफिस में आकर वेल्स के मर्डर के आरोप में थॉमस को गिरफ्तार करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टाइम मशीन से गायब होने के बाद हेलेन की आंखें 2 जून को सोफे पर खुलती है। यह वही सीन होता है फ्रेंड्स जहां कुछ देर बाद
हेलेन को फोन आया था। दरअसल फ्रेंड्स 27 मई को थॉमस से मिलने के बाद हेलेन को थॉमस पर शक होता है। यहाँ हेलेन को लगता है थॉमस ने अपने फायदे के लिए वेल्स को मारा है, इसीलिए 28 और 29 मई को अपने पति वेल्स के मौत के कारण की तहकीकात में हेलेन लगी होती है। और जब 30 मई को इसे यानी हेलेन को थॉमस के द्वारा वेल्स को मारने की बात पता चलती है तो वह टाइम मशीन को तबाह कर थॉमस को मारने की कोशिश करती है, पर लाख चाहने पर वह ना ही मशीन को तबाह कर पाती और ना ही थॉमस को मार पाती। थॉमस को मारने और टाइम मशीन को बर्बाद करने में असफल होने के कारण 31 मई को वह अपने पिता के घर पर आती है। टाइम मशीन वाली मास्टर प्लान को बनाकर प्रोजेक्टर में सेफ वीडियो की लोकेशन को हेलेन के द्वारा पता लगाने के लिए मैथमेटिकल टर्म को पहेली के रूप में ब्लैकबोर्ड पर लिखती है। और जब 2 जून को पहली हेलेन यानी टाइम ट्रेवल कर समय में पीछे गई हेलेन की आंखें सोफे पर खुलती है तो उस समय के लिए फ्यूचर से आई हेलेन को फोन कॉल के थ्रू गाइड करने लगती है। अगले दिन यानी 3 जून को मॉल पहुंचकर मॉल से बॉम्ब बनाने वाले सारे मटेरियल को खरीदकर बॉम्ब बनाती है। ये 3 जून वही दिन होता है फ्रेंड्स जिस दिन कार्विज किसी लड़की को मॉल में पकड़ने की कोशिश करता है। 4 जून को अपने परफेक्ट प्लान के अनुसार पहली हेलेन के द्वारा थॉमस को उसके चेंबर में बिजी रखकर बॉम्ब को टाइम मशीन वाले चेंबर में रखती है और टाइम मशीन के बर्बाद होने से पहले टाइम मशीन को यूज करके 2 जून को वापस से अपने घर पर आ जाती है। जैसा वेल्स और थॉमस के कन्वर्सेशन से हमें पता चला था ये टाइम मशीन पूरी तरह से सही नहीं थी। एक तो कोई भी इंसान केवल 7 दिन समय में आगे या पीछे जा सकता था, तो दूसरा जो भी इंसान इस मशीन के थ्रू टाइम ट्रेवल करता था वह अपनी टाइम ट्रेवल वाली कुछ यादें भूल जाता था। इसीलिए जब 2 जून को हेलेन की आंखें खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फिल्म के अगले सीन में यानी 5 जून को एलेक्स और हेलेन को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वे ऑफिस में अपने काम को कर रहे होते हैं और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी इस फिल्म यानी कर्वेचर की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म से जुड़ी कोई भी बात अभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका इंतजार कमेंट सेक्शन में कर रहा हूं। बात बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, 10 में से आप इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे, आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।